बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा अनवारुल हक काकड़ निगरान वजीर आजम बन गए। इंतखाबात तक मुल्क की निगरानी करने का मौका मिलने पर सियासी रहनुमाओं ने अनवारुल हक को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्बे इख्तिलाफ की बैठक में सरप्राइज़ एंट्री, आम इंतखाबात तक मुल्क की निगरानी अनवारुल हक काकड़ के हवाले। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने निगरान वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने पर अनवारुल हक काकड़ को मुबारकबाद दी। पीडीएम के सरबरा मौलाना फजल रहमान ने टेलीफोन पर अनवारुल हक से बात की, कहा उम्मीद है आप शफाफ और शफाफ बरवक्त इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाएंगे। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी ने भी फैसले को खुश आइंद करार दिया, कहा अनवारुल हक काकड़ पढ़े लिखे और शरीफ नफ्स शख्स है, उम्मीद है उनकी निगरानी में इंतखाबात साफ और शफाफ होंगे। चौधरी सरवर बोले, खुशी है बलूचिस्तान से एक पश्तून को निगरान वज़ीर आज़म बनाया गया, पाकिस्तान का वजीर आजम बनाया है और मेरा हमेशा से एक मौकफ रहा है कि चाहे वो फाटा के इलाके हो, चाहे वो बलोचिस्तान हो, जो डिप्राइव्ड एरिए हैं उनको हमें सबसे ज्यादा सपोर्ट करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा वजीर आजम का ओहदा सियासी है, खुशी है कि ओहदा किसी सियासी रहनुमा के सुपुर्द किया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा गैर जानिबदार इलेक्शन अब निगरान वजीर आजम का बड़ा इम्तिहान है। तारीख का अमीर आजादी की अलामत हुसन का आईनादार फिक्रो नजरिए की अक्कास सरफराजी का गवाह यानी हम सब का निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।